और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान सभापति महोदय इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है।